वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सबके सबके फ्रेंड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि फोटोशॉप में जीआईएफ फाइल किस तरह से बनाते हैं, किसी इमेज को या कोई सोशल मीडिया पोस्ट जब बनाते हैं तो किस तरह से उसमें एनिमेशन डालते हैं, किस तरह से जीआईएफ फाइल क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। इसका जो फुल फॉर्म होता है जीआईएफ का, वो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसको याद रखेंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो जीआईएफ फाइल से जाना जाता है, जिसे जिफ फाइल भी लोग कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं कि किस तरह से हम इसे कुछ बना सकते हैं। कुछ इस तरह का एक मैंने छोटा सा पोस्ट तैयार किया है। इस पोस्ट में हमने अपने चैनल का नाम ऊपर रखा है, यहाँ पे कोई भी कंपनी का नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसका मैंने नाम रखा है। यूट्यूब चैनल है हमारा ये, और यहाँ पर लिखा है एक बटन बना करके सब्सक्राइब है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन बनाऊंगा। सब्सक्राइब जो यहाँ लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज होना चाहिए। आप देखे होंगे कि इस तरह का वीडियो, छोटा सा एनिमेटेड जीआईएफ फाइल आप देखते होंगे, यूट्यूब वीडियो भी जब देखते रहते हैं तो बीच बीच में इस तरह का एडवर्टीजमेंट आता रहता है। तो वो किस तरह से ऐसा होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, उसके बाद बहुत आसानी से हम लोग देखेंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले इसे हम जीआईएफ बनाने के लिए क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, और विंडो में जाने के बाद यहाँ पर नीचे में टाइमलाइन का एक ऑप्शन है। मैं फोटोशॉप CS6 यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइमलाइन का एक ऑप्शन। CS5 अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एनिमेशन का, उसमें ये चीज़ें मिलेंगी। CS6 में यहाँ पे टाइमलाइन, वैसे ही फोटोशॉप CC में भी यहाँ पे टाइमलाइन का ऑप्शन आएगा। फोटोशॉप CC जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक है GIF फाइल और एक दूसरा फाइल, ये जो है फ्रेम एनिमेटेड फाइल बनते हैं इसमें, और दूसरा जो होता है वो होता है फिल्म एंड वीडियो एनिमेटेड फाइल। तो यहाँ पे मैं फ्रेम से करने के लिए सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि वीडियो एंड फ्रेम में किस तरह से वीडियो हम लोग बनाते हैं इसमें भी एनिमेशन दे करके। तो इसे मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो हमारा सब्सक्राइब है, ये जो रेड में लिखा हुआ है, उसके बाद मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा। इसकी कॉपी यहाँ से इस तरह से कॉपी बना लिया, और उसके बाद ये फर्स्ट वाला जो हमारा ये हम देख रहे हैं, मैं ऊपर कर देता हूँ, आसानी से देखेंगे। फर्स्ट फ्रेम में हमारा ये रेड दिख रहा है। सेकेंड, मैं यहाँ से एक अलग लेयर लूँगा, फ्रेम जिसे कहते हैं, और इस फ्रेम में मैं क्या करूँगा कि ये जो नीचे वाला सब्सक्राइब है इसका मैं ये बंद करूँगा और ऊपर वाले को ओपन रखूँगा। यानी सेकंड वाले फ्रेम में मैं नीचे वाले को बंद कर दिया और ऊपर वाले को ओपन रखा, और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करूँगा। तो उसका कलर चेंज करने के लिए आप विंडो में आ जाएं और यहाँ पर से पैराग्राफ को ओपन कर लें, और यहाँ पर आप आ जाएं कैरेक्टर में। अब यहाँ से ये जो लिखा हुआ है इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, और इसका कलर मैं ग्रीन करता हूँ। ओके, तो ये दोनों हो गया, इसलिए हो गया कि अभी फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट में आने के बाद मैं ऊपर वाले को बंद करूंगा और नीचे वाले को रखूंगा। फिर जब सेकंड में आएंगे तो मैं नीचे वाले को ओपन करूंगा, और सॉरी ऊपर वाले को ओपन करूंगा और नीचे वाले को बंद रखूंगा। जब आप कोई भी चेंज करते हैं, अगर यहाँ पे 2 या 4, 10 फ्रेम आपने तैयार कर लिया है, उसके बाद कोई भी चेंज करेंगे तो सभी में चेंज हो जाएगा, तो आपको यहाँ से फिर से सेटिंग करना होगा। तो मैंने फर्स्ट वाले में रेड रखा, सेकंड वाले में ग्रीन रखा है, और उसके बाद एक और मैं यहाँ पे करता हूँ, एक कॉपी और यहाँ से मैंने ये बना लिया। और कॉपी बनाने के बाद क्या किया कि नीचे वाले को फिर से मैंने बंद कर दिया, जिसे मैंने ग्रीन, अब देखिए कॉपी मैंने बनाया तो यहाँ पे भी ग्रीन हो गया। फिर से सेटिंग आपको करनी होगी, सेटिंग ये करनी होगी कि फर्स्ट वाले में मुझे रेड रखना था, तो फर्स्ट वाले में मैं यहाँ से आप ये वाली ग्रीन को और इस वाले ग्रीन को बंद कर देंगे, सिर्फ रेड वाले को रहने देंगे। सेकेंड वाले पर आएंगे, और सेकेंड वाले पर आने के बाद ये ग्रीन को आप ओपन कर दीजिए। फिर एक यहाँ से फ्रेम लेंगे और इस फ्रेम पर ऊपर वाले को ओपन करेंगे और नीचे वाले को बंद रखेंगे। ये ऊपर वाले को ओपन कर लिया, अब इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करूँगा। यहाँ से कलर मैं चेंज करके इसका मैं थोड़ा सा येलो कलर डाल देता हूँ। जी, अब मैंने 3 कलर में फ्रेम तैयार कर लिया यहाँ पे, इस 3 कलर में फ्रेम तैयार कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये तीनों की कॉपी बन जाए,
बहुत सारी कॉपी, तो शिफ्ट यहाँ से प्रेस करूँगा और यहाँ से ये जो बटन देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से ये ट्विन्स का ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है तो आप यहाँ से आप इसे डबल कर सकते हैं, फिर इसको आप चाहें तो फिर से डबल कर सकते हैं आप यहाँ से। अब इसको मैं प्ले करूँगा, यहाँ से प्ले बटन क्लिक करिए आप, ये देखिए। तो इस तरह से ये कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से GIF फाइल हम लोग तैयार करते हैं। ये बहुत ही बेसिक GIF है जिसे मैंने अभी बताया है आपको। एक छोटा सा इसमें इम्प्लीमेंट हम लोग और करते हैं वो ये है, या फिर मैं इसी में थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा यहाँ बता देना चाहता हूँ ताकि जब दूसरा इसका मैं वीडियो बनाऊँ तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने जिस तरह से बताया है वो ये है कि ये सबको आप सिलेक्ट कर लें, सबको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर जो अनलिमिटेड ये यहाँ पर देख रहे हैं 0 सेकंड, इस पर आप राइट क्लिक करें। सबको सिलेक्ट करने के बाद तो ऑप्शंस आएंगे आपको, यहाँ पे ये ऑप्शंस मिलेंगे कि आप अपने कस्टम टाइमिंग अगर रखना चाहते हैं कि इतने टाइम में इतने टाइम में ये चेंज होना चाहिए कलर यानी एनिमेशन इतने टाइम में होना चाहिए। तो यहाँ पे नो डिले में पहले था, अब अगर मैं 0.1 सेकंड कर दूँ और फिर से मैं प्ले करूँ तो देखिए क्या होता है, ये इस तरह से होता है। और अगर मैं फिर से इसको स्टॉप करके और फिर से सबको सेलेक्ट कर लिया, सबको सेलेक्ट करने के बाद फिर से अगर इसकी टाइमिंग में अगर 2 सेकंड कर दिया फिर देखिए क्या होता है, बहुत ही टाइम लेकर स्लोली होगा। तो उसी तरह से आप अपने हिसाब से जैसा भी आप GIF फाइल बना रहे हैं टाइमिंग आप वैसे ही रखेंगे। तो ये तो हो गई हमारा फ्रेम में किस तरह से करेंगे, कलर चेंज करते हैं, एनिमेटेड कैसे वीडियो बनाते हैं, तो ये हो गया। लेकिन अब ये कर लेने के बाद इसे सेव कैसे करेंगे, सेव करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो सेव करेंगे कैसे, आप यहाँ से फाइल में आएंगे और फाइल में आने के बाद आप यहाँ पर सेव फॉर वेब करेंगे तो एक अलग यहाँ पे विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आप देखेंगे कि मैंने सेटिंग करके रखा हुआ है, इस विंडो में आपको यहाँ पे GIF रखना होगा, यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे चेंज रख कर सकते हैं, सिलेक्टिव रखेंगे, ये सब सारी चीज़ों को छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी 256 कलर्स को ये एक्सेप्ट करता है GIF है, ये इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ आपको ये करना होगा, देखना होगा कि यहाँ पे फॉरएवर लिखा हुआ है, क्योंकि आप जब GIF बनाते हैं और कहीं पर अपलोड करते हैं तो वो फाइल ऑलमोस्ट फॉरएवर ही चलनी चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए फाइल। यहाँ पे ऑप्शंस आपको रहता है फॉरएवर, वंस या अदर्स, अपने हिसाब से भी यहाँ पे आप रख सकते हैं, जितने बार चाहें उतने बार ये चलेगा। लेकिन अगर आप फॉरएवर रखेंगे तो ये परमानेंटली चलता रहेगा। और इसके बाद इसे आप सेव करेंगे, आप सेव कहाँ कर रहे हैं ये आपको देखना होगा कि आप सेव कहाँ कर रहे हैं। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे सेव करें और यहाँ से डेस्कटॉप पे एक फोल्डर अलग से बना लें, ये फोल्डर मैंने बना लिया और इसका लिख दिया फाइल नेम GIF न्यू कर दिया और उसके बाद फिर सेव कर दिया। ये सेव हो जाने के बाद एक बार यहाँ देख लें कि किस तरह से ये फाइल यहाँ पे सेव हुआ है। और इसको, ये जो फाइल है इसको अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए क्या होता है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सेव फॉर वेब किया हुआ है। एक इसका JPG फाइल अगर आप ओपन कर लेंगे तो ये आपके डेस्कटॉप पे भी चलता रहेगा, लेकिन जब इसको आप ओपन करके आप इंटरनेट ब्राउज़र पे आकर के जब ओपन करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऊपर आकर के छोड़ देंगे तो देखिए ये किस तरह से चलता है। देखिए इसी तरह से कोई भी किसी भी कंपनी का एडवर्टीजमेंट GIF फाइल में बनता है। तो सेव फॉर वेब करते हैं और उसे अपलोड करते हैं एज ए इमेज
तो ये फिर इस तरह से चलता है। देखिए मैंने जिस तरह से टाइमिंग यहाँ पे सेट किया था वैसे यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से GIF का बहुत ही बेसिक मैंने अभी बताया है। GIF में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एपिसोड वाइज बढ़ता रहेगा और वीडियोस में बनाता रहूँगा इसमें डिटेल में, तो आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें ताकि आगे आने वाले GIF और इलस्ट्रेटर के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको बहुत अच्छी जानकारी आपको दे सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसा कि मैंने आज का पोस्ट भी यही बना दिया है कि सब्सक्राइब करें, ये सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल सबके सबको। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा वेट करें और मैं आपका वेट करूंगा, उस वीडियो में मुलाकात होगी दोबारा। तो आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।